नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है उसके तहत आज हम कवर करने वाले हैं पौड़ी जिले को। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अन्य जिलों की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पौड़ी का गठन कब किया गया था? तो पौड़ी का गठन कब किया गया था दोस्तों, आंसर होगा 1840। ऑप्शन नंबर सी, 1840 में पौड़ी जिले का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पौड़ी जिला है वो किस पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो दोस्तों पौड़ी जिला जो है कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। याद रखेंगे, कंडोलिया पहाड़ी, कंडोलिया पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौड़ी जिले की सीमा किस जनपद से नहीं लगती है? क्वेश्चन है दोस्तों, पौड़ी जिले की सीमा किस जनपद से नहीं लगती है? ऑप्शन है हमारे पास देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पौड़ी जिले की जो सीमा है उत्तरकाशी से नहीं लगती है। इसके अतिरिक्त पौड़ी जिले की जो सीमा है वो किसके साथ सीमा साझा करती है? देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर ध्वज ऐतिहासिक स्थल का उत्खनन मीर मलखान द्वारा कब किया गया था? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, मयूर ध्वज ऐतिहासिक स्थल का जो उत्खनन है वो मीर मलखान द्वारा कब किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1887 में, 1887 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौड़ी को कब हिल स्टेशन घोषित किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, पौड़ी को हिल स्टेशन 1992 में घोषित किया गया था, तो 1992। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1992। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान पर उत्खनन के बाद बुद्ध की बोधिसत्व मूर्ति प्राप्त हुई? क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों, किस स्थान पर उत्खनन के बाद बुद्ध की बोधिसत्व मूर्ति प्राप्त हुई? कण्वाश्रम, रानीहाट, सोम का भांडा या मोरध्वज? तो आंसर क्या होगा दोस्तों, मोरध्वज। ऑप्शन नंबर डी, मोरध्वज इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, बंदी रक्षक, पटवारी, इन सभी के लिए जो भी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौड़ी को देवप्रयाग के पुल से कब जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो पौड़ी को देवप्रयाग के पुल से कब जोड़ा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर 2001। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 दिसंबर 2001 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कब कण्वाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित किया? क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कब कण्वाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित किया? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1955। ऑप्शन नंबर सी, 1955 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने 19वीं शताब्दी में दुगड्डा को अपने खेत में बसाया था? तो दुगड्डा को अपने खेत में किसने बसाया था दोस्तों, पंडित धनीराम मिश्र द्वारा। पंडित धनीराम मिश्र द्वारा जो है दुगड्डा को अपने खेत में बसाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पंडित धनीराम मिश्र इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1930 और 1945 में दुगड्डा आए थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वर्ष 1930 और 1935 में दुगड्डा आए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देव स्थल को तालेश्वर दान पत्रों में बृणेश्वर स्वामी कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देव स्थल को तालेश्वर दान पत्रों में बृणेश्वर स्वामी कहा गया है? तो आंसर क्या होगा, बिनसर महादेव। ऑप्शन नंबर ए, बिनसर महादेव को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्वाश्रम में कालिदास ने अपनी किस पुस्तक की रचना की थी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कण्वाश्रम में कालिदास ने अपनी किस पुस्तक की रचना की थी? बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मणिकूट व हेमकूट पर्वतों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों मणिकूट और हेमकूट पर्वतों के मध्य क्या स्थित है हमें बताना है, आंसर हो जाएगा कण्वाश्रम। कण्वाश्रम जो है मणिकूट एवं हेमकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कण्वाश्रम को अपनी रचना में किसलय प्रदेश कहा है? तो दोस्तों किसलय प्रदेश कण्वाश्रम को किसने कहा था, कालिदास, कालिदास ने जो है अपनी रचना में कण्वाश्रम को किसलय प्रदेश कहा था। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीयंत्र टापू कांड श्रीनगर में कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, श्रीयंत्र टापू कांड श्रीनगर में
कब हुआ था? तो आंसर होगा 10 नवंबर 1995। 10 नवंबर 1995 याद रखेंगे, श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थापली गांव में कब मृदभांड पाए गए थे? तो दोस्तों यहाँ पर बताना कि जो थापली गांव है उसमें मृदभांड कब पाए गए थे? तो 1979, 1979 याद रखेंगे। 1979 में जो है थापली गांव में क्या पाए गए थे? मृदभांड पाए गए थे, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलेश्वर मंदिर जिसका निर्माण शंकराचार्य द्वारा किया गया था का जीर्णोद्वार किसने किया? तो दोस्तों जो कमलेश्वर मंदिर है जो कि आपका श्रीनगर में स्थित है पौड़ी गढ़वाल में, तो इसका जो जीर्णोद्वार है वो किसने किया था दोस्तों? उद्योगपति बिड़ला द्वारा जो है इसका जो है जीर्णोद्वार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी उद्योगपति बिड़ला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलगाड़ और लंगूरगाड़ के मध्य कौन सा स्थान स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि सिलगाड़ और लंगूरगाड़ के मध्य कौन सा स्थान स्थित है? आंसर हो जाएगा दुगड्डा। ऑप्शन नंबर ए दुगड्डा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौड़ी नगर पालिका कब बनी थी? तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। तो पौड़ी नगर पालिका कब बनी थी दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1957, 1957 में जो है दोस्तों पौड़ी नगर पालिका का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बना? तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जो है पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बना? तो ये बना था 1969 में, 1969 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी 1969 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध इतिहासकार कन्निंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी कन्निंघम के अनुसार? सही आंसर हो जाएगा 5358। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 2008, 7 जुलाई 2008 को जो है बीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नयार नदी को पुराणों में किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? तो दोस्तों नयार नदी को पुराणों में किस नाम से वर्णित किया गया है? नवालिका। ऑप्शन ए नवालिका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण मंदिर देवलगढ़ पौड़ी का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों लक्ष्मण मंदिर जो कि देवलगढ़ पौड़ी में स्थित है इसका निर्माण कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1879। ऑप्शन नंबर बी 1879 जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। लक्ष्मण मंदिर देवलगढ़ का निर्माण कब हुआ था? 1879 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, कालों का डांडा का वर्तमान नाम लैंसडाउन कब पड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कालों का डांडा का जो वर्तमान नाम है जो कि लैंसडाउन है वो कब पड़ा था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 21 सितंबर 1890 को। 21 सितंबर 1890 को जो है दोस्तों कालों का डांडा का नाम क्या पड़ गया था? लैंसडाउन पड़ गया था, जो कि वर्तमान में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीनगर वर्तमान नगर का मास्टर प्लान किसने तैयार किया था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीनगर वर्तमान नगर का मास्टर प्लान किसने तैयार किया था? तो आंसर हो जाएगा ई के पै। ऑप्शन नंबर सी ई के पै इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केशव राय मठ किस शैली में निर्मित है? तो दोस्तों जो केजो है किस शैली में निर्मित है दोस्तों? कत्यूरी शैली में निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर ए कत्यूरी शैली इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीला परियोजना गंगा नदी पर पौड़ी गढ़वाल में 1980-81 में बनाई गई, यह कितने मेगावाट की परियोजना है? तो दोस्तों जो चीला परियोजना वो कितने मेगावाट की है? 133 मेगावाट की परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी 133 मेगावाट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी किस पहाड़ी की ढाल पर स्थित है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, पौड़ी जो है कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी कंडोलिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नाथ सिद्ध की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्वेश्चन समझेंगे, प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों देवलगढ़। ऑप्शन नंबर डी देवलगढ़ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली पलटन कब लैंसडाउन में आई थी? तो साधारण सा क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाली पलटन जो है लैंसडाउन में कब आई थी? 4 नवंबर 1887 को। 4 नवंबर 1887 याद रखना है, 4 नवंबर 1887 को जो है गढ़वाली पलटन लैंसडाउन आई थी। अगला क्वेश्चन है, 1930 में अमन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों अमन सभा का जो आयोजन है 1930 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? लैंसडाउन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लैंसडाउन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल दिवस 23 अप्रैल को बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों गढ़वाल दिवस 23 अप्रैल को जो बनाने का सुझाव है वो मोतीलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पौड़ी घटना कब हुई थी? दोस्तों पौड़ी घटना हुई थी आपकी कब? 7 से 8 अगस्त 1994। तो 7 से 8 अगस्त 1994 को पौड़ी घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऊटी बैंक लूट की घटना बच्चूलाल के नेतृत्व में कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर बताना कि ऊटी बैंक लूट की जो घटना है वो बच्चूलाल के नेतृत्व में कब हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 अप्रैल 1933 को। कब हुई थी दोस्तों? 28 अप्रैल 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का एकमात्र राहु का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर भारत का एकमात्र जो राहु का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? पैठाणी में। तो ऑप्शन नंबर ए पैठाणी जो है क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी जेल का निर्माण कब हुआ जिसे अब गढ़वाल का काला पानी कहा जाता है? तो दोस्तों बार बार क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है परीक्षा में। पौड़ी जेल का जो निर्माण है 1821 में हुआ था, 1821 में, जिसे अब क्या कहा जाता है? गढ़वाल का काला पानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की प्रथम टरबाइन को कब चालू किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि जो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है उसकी प्रथम टरबाइन को कब चालू किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 2008 में। ऑप्शन नंबर बी 2008 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाराम का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों श्रीनगर में जो है मौलाराम का संग्रहालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भमांसू क्या है? नदी, गुफा, स्थान या गढ़वाली भाषा? तो दोस्तों भमांसू क्या है? नदी। भमांसू जो है एक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए नदी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मंदिर को घसिया महादेव भी कहा जाता है? तो दोस्तों घसिया महादेव मंदिर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कटकेश्वर महादेव। तो ऑप्शन नंबर सी कटकेश्वर महादेव पर लॉक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौड़ी के संबंध में असंगत है? यानी कि हमें यहाँ पर बताना है दोस्तों कि पौड़ी के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, झिलमिल गुफा पौड़ी में स्थित है। सही आंसर है, झिलमिल गुफा जो है दोस्तों पौड़ी में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है, ताराकुंड झील पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तरकाशी जिले की सीमा पौड़ी से लगती है। ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान देंगे, उत्तरकाशी जिले की सीमा पौड़ी से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार। और ऑप्शन नंबर फोर भी हम देख लेंगे, पौड़ी जनपद में सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 में हुई थी। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से आपको तीन फैक्ट याद रखने हैं। कौन कौन से है? ऑप्शन नंबर ए झिलमिल गुफा पौड़ी में स्थित है, दूसरा है ताराकुंड झील पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और तीसरा याद रखना है कि पौड़ी जनपद में सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटद्वार के संबंध में सही तथ्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है कोटद्वार के संबंध में सही तथ्य कौन सा नहीं है। कोटद्वार 2017 में नगर निगम बना, बिल्कुल सही है दोस्तों। जोसेफ कैथेड्रल चर्च कोटद्वार में स्थित है, बिल्कुल सही है। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? कोटद्वार को कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार जो सही तथ्य नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? कोटद्वार 1961 में नगर पालिका बना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोटद्वार में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है कोटद्वार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी में अमन सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों अभी जैसे कि हमने बताया था आपको, पौड़ी में जो है अमन सभा का गठन हुआ था 1930 में। और कहाँ पर हुआ था ये? लैंसडाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड पलायन आयोग का जो मुख्यालय है वो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौड़ी। अगला प्रश्न है, अनिल जोशी का संबंध पौड़ी जनपद से है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो दोस्तों अनिल जोशी को जो है पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2006 में। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, 2006 में अनिल जोशी को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को सजा मिली थी। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे इन्हें कितने समय की सजा मिली थी? तो सही जवाब हो जाएगा 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की सजा जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारह मिहिर किसकी उपाधि है? तो दोस्तों बारह मिहिर की उपाधि किसे दी गई थी? मुकुंदराम बर्थवाल। ऑप्शन नंबर ए मुकुंदराम बर्थवाल इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवंती बिष्ट जिनका संबंध पौड़ी जनपद से है को पर्यावरण में CCI ग्रीन अवार्ड कब मिला? तो दोस्तों हर्षवंती बिष्ट को जो है
सीसीआई ग्रीन अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2010 में। ऑप्शन नंबर सी 2010 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? पौड़ी में लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी पौड़ी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर मलखान द्वारा कब मोरध्वज का उत्खनन किया गया था? तो दोस्तों मीर मलखान द्वारा मोरध्वज का उत्खनन कब किया गया था? 1887 में। ऑप्शन नंबर ए 1887 में जो है मीर मलखान द्वारा जो है मोरध्वज का उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथी एवं पांचवीं सदी के मूर्ति खंडर मिले हैं? तो दोस्तों चौथी और पांचवीं सदी के जो मूर्ति खंडर है वो कहाँ पर मिले थे? रानीहाट में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, रानीहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल कृति का प्रकाशन 1913 में पौड़ी से किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो विशाल कृति है उसका प्रकाशन 1913 में पौड़ी से किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा, सदानंद कुकरेती। ऑप्शन नंबर बी सदानंद कुकरेती जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़देश पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से कृपाराम मिश्र द्वारा कब किया गया था? तो दोस्तों गढ़देश पत्र जो था उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कोटद्वार से हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था? कृपाराम मिश्र के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हमें बताना कि गढ़देश पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1928, 1928 इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 फैक्ट मैं आपको अभी और बता देता हूँ जो कि पौड़ी जनपद के महत्वपूर्ण बिंदु है। तो एक है, उत्तराखंड के प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे दोस्तों वो कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी थे। कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी। उनका संबंध कहाँ से था दोस्तों? पौड़ी से था। तो जगमोहन सिंह नेगी को याद रखेंगे, ये जो है उत्तराखंड के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि डांडा मंडी आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? डांडा मंडी आंदोलन हुआ था पौड़ी गढ़वाल में, और इसके प्रणेता कौन है? उमराव सिंह। डांडा मंडी आंदोलन कहाँ हुआ था? पौड़ी में हुआ था, और इसके प्रणेता कौन है? उमराव सिंह। उमराव सिंह याद रखेंगे। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि पौड़ी में मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? पौड़ी में मस्जिद कब बनी थी? तो पौड़ी में जो है दोस्तों मस्जिद का जो निर्माण है वो हुआ था 1902 में। 1902 में जो है पौड़ी में मस्जिद का निर्माण हुआ था। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि गुजड़ूगढ़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गुजड़ूगढ़ जो है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको दोस्तों याद रखना है कि एकता सम्मेलन दुगड्डा में कब हुआ था? तो दोस्तों दुगड्डा में जो है एकता सम्मेलन आयोजित किया गया था वो हुआ कब था? 1914 में। 1914 में जो है दुगड्डा में एकता सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट पौड़ी गढ़वाल से संबंधित। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।